गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। हम लोग हैं अभी ज़िला सोलन के पट्टा में। आप देख सकते हैं अभी कि हम पट्टा की मार्केट में हैं, और चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है अभी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बाज़ार हैं वो भी तकरीबन तकरीबन इक्का दुक्का लोग ही मार्केट में दिख रहे हैं। अभी हम बिल्कुल पट्टा बस स्टैंड पर हैं और हम आपसे पट्टा बस स्टैंड से लाइव जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जिस तरह से आप लोग आना शुरू हो जाएंगे, हम हो सकता है यहाँ के दुकानदारों से भी इनके विचारात लेंगे और आप लोगों से साझा करेंगे कि क्या कहते हैं यहाँ पर के, यहाँ के जो दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं इस विषय में कि किस तरह की जो आवाजाही है और दिनचर्या जो इन लोगों की गुज़र रही है वो किस तरह से गुज़र रही है। तो अभी थोड़ी ही देर बाद हम आपसे बिल्कुल साझा करेंगे इस चीज़ को, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल हम आपसे जुड़ रहे हैं बिल्कुल लाइव यहाँ से पट्टा से, और जिस तरह से बिल्कुल बाज़ार सूना है और बहुत कम लोग मार्केट में हैं, दुकानें तकरीबन तकरीबन शून्यता की तरफ है। जानेंगे यहाँ के लोगों से भी कि किस तरह की दिनचर्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो तकरीबन तकरीबन बाज़ार तो सुने ही हैं, और बाज़ार सुने तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर भी रेयर ही होगा, और जानकारी लेंगे यहाँ के दुकानदारों से किस तरह से उन लोगों का जो लॉकडाउन है और किस तरह से आवाजाही यहाँ पर कस्टमर्स की हो रही है, इस विषय में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैं यहाँ से आपके साथ जो पट्टा क्षेत्र बिल्कुल कस्टमरों से भरा रहता था और यहाँ पर बसेस की जो आवाजाही है वो काफ़ी रहती तकरीबन शून्यता है। आइए जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से। नमस्कार जी, आप तो यहीं के निवासी हैं? हाँ जी सर। तो जिस तरह से ये अभी लॉकडाउन चल रहा है और कल जो निर्देश आ गए वो 30 जून तक शायद लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया ज़िला सोलन में भी कर्फ्यू को, तो आप लोगों की जो दिनचर्या है वो किस तरह से गुजरी है? जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर होते थे, अब से कोविड का ये संक्रमण चला है तब से लोगों की आवाजाही कम हो रही है, तो आपका जो सामान है वो आप कैसे बेचते हैं और आपकी दिनचर्या कैसे गुजरती है? तो कस्टमर आप लोगों के पास आता है कि नहीं आता है? बहुत कम आ रही है कस्टमर। देखिए जिस तरह से अभी हम लोगों ने एक दुकानदार से बात की यहाँ पर, और इन्होंने बताया कि जो आवाजाही है वो बहुत कम है, और तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पट्टा क्षेत्र पहले चहल पहल होती थी वहाँ पर अब शून्यता है एक तरह से। तो आइए जानेंगे बिल्कुल, और दुकान में चलता हूँ, और ये भी सब्जी की दुकान लग रही है मुझे, करियाना। जिस तरह से बातचीत करेंगे अभी यहाँ के दुकानदारों से, बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको पट्टा से। सर नमस्कार, आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। जिस तरह से ये अभी संक्रमण के चलते लॉकडाउन है पूरे भारत में और 30 तारीख तक, 30 जून तक अब कर्फ्यू फिर से बढ़ गया है, तो जो 8 से 4 बजे तक की जो दुकानदारी है आप लोगों की वो किस तरह से गुजरती है आप लोगों की? वैसे यहाँ पे 8 बजे का टाइम बिल्कुल सही, उसके बाद बसों की आवाजाही तो है नहीं, लोग सुबह सुबह निकलते हैं धूप पे, फिर अपने घरों में रहते हैं। मेरे हिसाब से आपसे एक बड़ा अच्छा जिस तरह से अब 1 जून से बसें चलनी शुरू हो जाएंगी, तब और रविवार से पिछले कल से तो जो हमारे ज़िला से बाहर भी लोग जा सकते हैं, इस विषय में सरकार के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? फैसला तो खैर ये ठीक है,
एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ लोगों की टिप्पणियां आती हैं हम लोगों को कि बाहरी राज्यों से जो हमारे हिमाचली हैं उनको बाहर नहीं लाना चाहिए था, इस विषय में आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, गलत है, आना चाहिए। जो बाहर आदमी को अपने घर आने का हक है, जो ये थोड़े मतलब है कि वो आदमी पता किस परेशानी में वहाँ बैठा खाने को है नहीं है, तो स्टेट में क्या कर रहे हैं, क्या उनको फैसिलिटी जा रही है, क्या पता है। अपने घर में आएंगे तो क्वारंटाइन होके ठीक भी हो जाएंगे। आपके हिसाब से ये बिल्कुल फैसला सही है, और जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो जाएगी तो वो फैसला भी मेरा ख्याल से जनता के हक में है। और यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि अधिकतर लोग मास्क नहीं पहनते और मात्र में ही यूज़ की जा रही है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो थोड़े से लोगों को अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट की कंडीशन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ आपको जो है वो फ़ायदा मिलेगा उसका, अदरवाइज तो फिर इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस तरह से बिल्कुल लाइव जुड़ रहे हैं हम आप और बातचीत कर रहे हैं यहाँ के लोगों से कि किस तरह से वो लोग अपनी दिनचर्या को यहाँ पर गुजारा करते हैं। एक और दुकान में चलते हैं और जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा जी। मेरा नाम जी नागिंदर सिंह ठाकुर है। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड संक्रमण के चलते लॉकडाउन है पूरे भारत में और पूरा भारत ही सिमट कर रह गया है, दुकानदारी भी बिल्कुल सिमट कर रह गई है, और अब 30 जून तक कर्फ्यू को फिर बढ़ा दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, पिछले कल से जो नोटिफिकेशन आई है, और जिला सोलन में भी उपायुक्त ने ये नोटिफिकेशन जारी की है कि 30 जून तक अब कर्फ्यू लागू रहेगा, तो आप लोगों की दिनचर्या किस तरह से गुजर रही है इस विषय में? दिनचर्या सर है, जो यहाँ की दिनचर्या तो अगर बसेस वगैरह चलती है, ट्रांसपोर्ट चलती है, तब तो दुकानदारी चलती है, अदरवाइज तो बस सारा दिन बैठने का काम है, ग्राहक है नहीं जी। और पहले चलो 12 बजे तक लोग अपने शॉपिंग करते थे, खरीदारी करते थे, निकल भी जाते थे, अब 4 बजे तक बैठे रहते, ग्राहक है नहीं, बस बैठना पड़ता है, बाकी काम बिल्कुल नहीं, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया जी। तो आप लोगों का मत क्या है क्षेत्र में जो दुकानदारी का समय है वो क्या होना चाहिए था जिससे सभी लोग आकर अपनी खरीदारी कर पाते? देखो जो सामान लेने के लिए तो सिर्फ 12 से और 1 बजे तक का टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि इसके बाद तो बेकार में व्यर्थ लोग ऐसे बिना वास्ते घूमने वाले लोग गया, क्योंकि सामान ही लेना है ना, उन्होंने बसेस चलती है तब तो चलो कोई बस 6 बजे आ रही, कोई 5 बजे आ रही, 4 बजे आ रही, तब तो बंदे का आना स्वाभाविक है, अदरवाइज ऐसे तो मेरे सामने अगर सामान लेने के लिए तो। एक चीज़ की जानकारी और लेना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो हमारे बाहरी राज्यों में हिमाचली फंसे उनको हमारे जिला में, हमारे प्रदेश में लाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस पे टिप्पणियाँ कर रहे हैं, लोग थे उनको नहीं लाना चाहिए था, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बाहर के वो भी तो हमारे लोग हैं, उनको तो लाना बहुत ज़रूरी था, वो कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, और उन्होंने जो उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं उनको अलग रख रहे हैं, वो घर से भी में भी अगर कर रहे हैं तो घर में भी उनको अलग कर परिवार से रखा जा रहा है, वो सारा सिस्टम ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं और बाहर से उनका आना स्वाभाविक था, वो हमारे चलो तो पहले आ गए थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन हर एक माँ बाप हर एक मित्र बंधु ये चाहता कि मेरा परिवार का सदस्य आए, तो उस एंगल से अगर आ रहे हैं तो उन्होंने गलत कदम नहीं लिया है सरकार ने, और ठीक है स्वाभाविक है, केसेस भी बढ़ेंगे वो भी स्वाभाविक है, लेकिन ये है कि जो कुल मिला के सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है उसमें, हमारा इसमें तो ये मतलब आना था वो आने थे, और लॉकडाउन के टाइम में सब आदमी चाहते कि हम अपने घर आएं, तो ठीक ही है, सरकार ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। कुछ लोग मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते हैं, उसके विषय में कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? सर ऐसा है, हमारा तो खुद जो ग्राहक आते हैं, सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, हम लोग नंबर एक तो उस ग्राहक को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देते जिसने मास्क ना लगाया हो, दूसरा अगर कोई ऐसा पास ही सैनिटाइजर हमने साथ रखा है उसके हाथ हम सैनिटाइज करवाते हैं, धुलवाते हैं, फिर अंदर आएगा, और तीसरी बात यह है कि इसमें अब जागरूक ज़्यादा लोग हैं, बहुत गिने इस तरह का पालन नहीं करते, वैसे सभी लोग इसका पालन करते हैं। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जानकारी ली यहाँ पर पट्टा क्षेत्र में कि किस तरह से लोग
हैं, लेकिन उनका मानना ये बिल्कुल सही है कि यदि कोविड के संक्रमण को रोकना है तो इस तरह के जो आदेश हम लोगों को जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसका पालन अनिवार्य है। तो आइए एक और दुकान में चलते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या उनका मत है, कि वो क्या कहते हैं इस विषय में। सर नमस्कार, आप अपना परिचय देंगे जी? सर मैं, और आपका नाम क्या है? आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी जूते की दुकान है, भाई साहब की ये हाँ ठीक है, तो एक चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं कि जिस तरह से ये कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ है, इससे लोगों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं और क्या क्या समस्याएं भी आ रही हैं? फायदे तो कम ही हो रहे हैं, थोड़ी लोग भी लापरवाही अपने आप से कर रहे हैं, अपनी हिफाजत अपने हाथ में है, ऐसा तो कोई फायदा नहीं होगा अगर हम ऐसे चलेंगे। मुँह बांधना जरूरी है, तो मुँह बंद जरूरी, किसी भी बात करो चाहे रुमाल ही बांधो, ये है कि आर्थिक संकट से ज्यादा जूझ रहे हैं लोग, संक्रमण से कम जूझ रहे हैं, तो आपका कोई संदेश होगा कि क्या करना चाहिए जिससे आर्थिक संकट भी उभर जाए और हम लोग संक्रमण से भी बच जाए? मैं तो वही बोल सकता हूँ, जितना हो सके अपना फायदा कीजिए, अपनी फाजत अपने हाथ में करिए, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अपनी फाजत अपने हाथ में खुद ही है, जितना फायदा फाजत करेंगे अपनी विचार करेंगे उतना फायदा रहेगा। घर से जैसे बोल रहे बाहर मत निकलो, इससे बेहतर रहिए बाहर मत निकली, जब सरकार बोल रही है बेहतर रहिए अंदर रहिए, काम सब कुछ मिल रहा है घर में अंदर ही रहिए, लेकिन थोड़ी मजबूरी है कि काम करना है उसके लिए टाइम दिया हुआ है, ससुराल यहाँ जा सकते हैं, एक गाड़ी में बोले एक दो हाँ। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। इस तरह से इन्होंने बताया कि अगर फायदे हैं तो समस्याएं भी हैं, और समस्याएं इन लोगों को अधिक लगती है क्योंकि आर्थिक संकट से जूझते हैं, और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग हैं तो आर्थिक संकट ज़रूर इन लोगों को सताएगा। आइए बात करते हैं, फिर से चलते हैं एक होटल की तरफ और वहाँ पर भी लोगों से जान क्या यहाँ पर स्थिति है। देखिए बिल्कुल सूना पड़ा है और यहाँ पर बसेस का जमावड़ा बहुत होता था लॉकडाउन से पहले, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल जीरो कस्टमर आप देख रहे हैं दुकानों में। अपना परिचय देंगे? पट्टा से हैं। आपसे एक चीज़ की जानकारी लेना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कोविड संक्रमण के चलते लॉकडाउन हुआ है, और जाहिर सी बात है कि जो दुकानदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का फर्क पड़ता नजर आ रहा है, आप लोग किस तरह के संकट से जूझ रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते? लॉकडाउन में तो संकट ही संकट है सर, काम ही नहीं है बिल्कुल, बसें चल नहीं रही है, अर्थव्यवस्था सारी खत्म हो गई, तो इस कारण आपको पता है अब जो लोकल कस्टमर है वो तो डेली कहाँ आएगा सर, लोग हफ्ते में एक ही बार आते हैं, सब अपना जो है सामान लेके चले गए, इससे जो है टाइमिंग भी नहीं है ठीक इसकी, नहीं दुकान की जो कमाने का टाइम है उस टाइम में दुकानें बंद हो जाती हैं, या तो सुबह से 7 से या 8 से शाम को 6 बजे तक भी होना नहीं, तब भी थोड़ा काम निकलेगा। ये है एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार के निर्देश आए हैं बसों का जो आवागमन है वो शुरू हो जाएगा, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? शुरू तो हो जाएगा पर उससे सर बीमारी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो ना जी बसों में अब ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोग मानते तो है नहीं सर, आपको पता ही है, अच्छा लोगों को समझाएंगे भी कितना सही, अब दुकान पे है, दुकान पे मान लो 4 कस्टमर आ गए या 10 आ गए तो हम उनको मना थोड़ी ना कर देंगे, हम उनको ये बोलेंगे सर आप थोड़ा दूर दूर हो जाओ, पर आज के डेट में मानता नहीं कोई नहीं सर, उससे तो बीमारी बढ़ने का ज़्यादा खतरा है, बसें चलाने से तो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना जी, क्यों जनता इधर से उधर जाएगी आएगी तो उससे तो खतरा ज़्यादा है। एक और बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अब 30 जून तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया, तो उसमें भी जाहिर सी बात है कि जो अभी हम लोगों के पास निर्देश उपायुक्त सोलन की तरफ से वो 8 बजे से 4 बजे तक की दुकानों के हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि 30 जून तक का जो ज्यादा लंबा समय है कर्फ्यू का, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये निर्णय बिल्कुल सही है संक्रमण से बचाव के लिए? संपूर्ण हो जाए ना जी बंद, तब तो चलो जनता बच भी जाएगी, अब दुकानें भी खुली है जी, लोग भी आ जा रहे हैं, इससे तो बड़ा मुश्किल है सर, नहीं वो आएगा,
तो जैसे इन्होंने शुरू में बंद किया था ना जी, उसी हिसाब से बंद कर दें एक महीने के लिए या 20 दिन के लिए, तब तो चलो बीमारी पे कंट्रोल हो जाएगा, बाकी बड़ा मुश्किल है जी, इस हिसाब से तो नहीं होगा। एक और समस्या के बारे में लोग हम लोगों को अवगत करवाते हैं मैसेज के जरिए और कमेंट्स भी हम लोगों को बहुत आ रहे हैं, वो ये है कि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जिम्मा उठाया कि जो हमारे बाहरी राज्यों में भाई लोग फंसे हैं, हिमाचल के जो बच्चे हैं या भाई हैं कोई भी, उनको हिमाचल में लाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की टिप्पणियां ये आती हैं कि सरकार गलत कर रही है, क्या ये आपका मानना सही है कि सरकार क्या ये सही निर्णय? नहीं, सरकार का निर्णय तो ठीक है सर, पर थोड़ा है ना कि उनको या तो उनको आते ट्रीटमेंट दिया जाए, जो ठीक हो रहा है उसको घर भेज दिया जाए, जो बीमार है मतलब उससे संक्रमित है उसको इलाज दिया जाए। अब या तो जैसे ना ये डायरेक्ट लाएंगे घर भेज दिए तो उससे तो बीमारी ज़्यादा फैल जाएगी, लाने का तो चलो ठीक है सरकार का, अच्छी बात है कि हमारा बच्चे घर पहुँच जाए या हमारे जो साथी है घर आए, उसमें ये है कि चलो उनको 14 दिन के लिए या 21 दिन के लिए पार्ट टाइम किया जाए ना जी, उसमें बीमारी का भी पता लग जाएगा नाले सब बच जाएंगे, उससे सुरक्षित है सब, ये तो सरकार का अच्छा निर्णय है लोगों को लाया जाए। तो इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तकरीबन बिल्कुल नज़र आ रहे हैं आवाजाही बिल्कुल शून्य है, बसों का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि बसें अभी बिल्कुल बंद हैं, 1 जून से बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर बिजनेस का जो क्षेत्र है वो भी शायद बढ़ जाए। आप लोग हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, कोई और अगर अपडेट होगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ लाइव होंगे, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए आपका संवाद।